अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 एंड क्लास 9। टुडे आई एम हेयर विद चैप्टर नंबर 4, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है? आप सबको पता है कि हमारे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, 109 जो हैं वो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं। तो इसमें पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है? रिपीटिशन, यानी कि रिपीट होना प्रॉपर्टीज़ का, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़। हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफर है बिल्कुल, मगर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं। तो वो किस प्रोसीजर से रिपीट होती हैं, उनका क्या तरीका है, और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक ग्रॉसरी स्टोर्स, अगर आप लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आप जा रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको जो है वो चॉकलेट्स लेना है तो वो चॉकलेट्स का एक पोर्शन होता है, आप उस तरफ चले जाते हैं। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। फ्रोज़न आइटम्स लेने हैं तो आप लोग जो है वो फ्रोज़न आइटम्स की तरफ जाते हैं, फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स की तरफ जाते हैं, कि यहाँ से हमें जो है वो फ्रोज़न आइटम्स मिलेंगे। हर चीज़ को एक क्लासीफाई किया हुआ है कि आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप वहाँ पर जाएंगे और आपको वो चीज़ अवेलेबल ईजिली हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनको क्लासिफाई किया गया है, ग्रुप्स बना के रखे गए हैं ताकि इनकी स्टडी इजी हो जाए, और जिस तरीके के हमें एलिमेंट्स की स्टडी करनी है आराम से हम कर लें, एक जैसी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक साथ हों। इसी वजह से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई। सबसे पहले डोबिनियर्स क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले डॉफनर्स ने जो है वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, और इनके बाद भी और बहुत से आए, मगर अभी जो क्लासिफिकेशन मानी जाती है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल माना जाता है। तो डॉपनर्स का हम देखते हैं, डॉपनर्स 1829 में इन्होंने जो है नोट किया कि 3 एलिमेंट्स जो हैं वो उनके जो है एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिर उन्होंने एक टेबल बनाया अपना, इनको ट्राइएट कहा इन्होंने, सही है, और इन्होंने 3 एलिमेंट्स एक जैसे रखे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। इन्होंने कहा इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, और फिर इसके बाद इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से इन्हें अरेंज किया। इन्होंने कहा लिथियम और पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है, जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7 है और पोटाशियम का 39 है, तो इन्होंने कहा कि जब इनको एवरेज निकालेंगे, एवरेज कैसे निकाला जाता है, 2 नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए, जो उनका एवरेज होगा वो जो सेंटर वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कुछ एलिमेंट्स में, मगर जब आगे जाके जो है वो ये रूल फेल हो गया, क्योंकि ये सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स में ये जो है ना सही हो रहा था, इनकी ये बात ठीक जा रही थी जो इन्होंने ट्राइएट बनाया था। ट्राइएट मतलब ट्राई करके इन्होंने सेट लिए थे, 3-3 सेट लिए थे, लिथियम का, सोडियम का, पोटाशियम का। इसी तरीके से न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है कि इन्होंने, न्यूलैंड्स ने जो है ना वो एक टेबल बनाया, और इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से इस टेबल को अरेंज किया, यानी एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, बेरियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको रखा, इनके एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे थे, इनकी बेसिस पे रखा। मगर जब देख, और उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट्स का जो 8 एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज केमिकल सेम होंगी, जैसे सोडियम जो है वो लिथियम का 8 एलिमेंट है, तो उन्होंने कहा सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसी तरह पोटाशियम जो है वो 8 एलिमेंट है सोडियम से, तो उन्होंने कहा कि इसकी भी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होंगी, एक जैसी होंगी, इनको सिमिलर होंगे ये। मगर इनकी ये जो है बात कुछ न्यूलैंड्स की भी कुछ एलिमेंट्स तक चली, और उसके बाद सिर्फ 16 एलिमेंट्स तक इनकी ये बात वैलिड थी, उसके बाद ये लॉ फेल हो गया। मगर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया पीरियोडिसिटी का, पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जब यानी कि किसी भी एलिमेंट्स की एक दूसरे से जो सेम चीज़ें होंगी उनको कहा जाएगा कि पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। इसी तरीके से लोथर मेयर भी आए, इनकी जो है वो भी रूल, ये भी आगे चल के जो है वो रिजेक्ट हो गया। मगर सबसे बड़ा जो ये कहते हैं कि इनकलाब आया कि मेंडलीव क्लासिफिकेशन पे, मेंडलीव के बाद एक जो है वो चेंज हो गया बिल्कुल के एलिमेंट्स को देखने का तरीका, एक टेबल के तौर पे जो है ना इन्होंने अपना मेंडलीव ने बनाया, और बहुत ज़्यादा ये कामयाब भी रहा। मगर आगे जाके इनको किसी बेसिस पे रिजेक्ट भी किया गया, वो हम आपको बताएंगे।
मेंडलीफ में 18 मार्च 1869 में एक उन्होंने, ये रशियन केमिस्ट है, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। इन्होंने भी न्यूलैंड की तरह एक एटॉमिक मास इंक्रीजिंग पे जो है अपने अरेंज किया एलिमेंट्स को। अब इनका देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या था, इनके लॉ क्या था। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इन्होंने कहा जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं एक एलिमेंट की, फिजिकल या केमिकल, वो फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती है। उन किस वजह से होती है? एटॉमिक वेट्स की वजह से होती हैं। यानी कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट की होगी, वो किस वजह से होती है? उनके एटॉमिक वेट की वजह से, एटॉमिक मासेस की वजह से होती हैं, और ये रिपीट होती हैं फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। फिर इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है, मेंडलीफ का ये पीरियोडिक टेबल है, इन्होंने वर्टिकल कॉलम बनाए। इनके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, इनकी ख़ास बातें क्या हैं टेबल की, ये देखिए 8 वर्टिकल कॉलम्स, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए। इनको बोला उन्होंने ग्रुप्स, क्या कहा? ग्रुप्स कहा। और इस तरीके से जो रॉज जो चल रही हैं, जब आप टेबल बनाते हैं तो वर्टिकली भी नंबर चल रहे होते हैं और हॉरिजॉन्टली भी नंबर चल रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टली नंबर चल रहे थे इनको इन्होंने बोला सीरीज। अब हम उनको बोलते हैं पीरियड्स, मगर जब मेंडलीफ ने कहा सीरीज, इस तरीके से सीरीज और वर्टिकली इन्होंने चलाई, तो इन्होंने कहा कि ये जो है वो ग्रुप हैं। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि एक ग्रुप में मींस जो वर्टिकली सारे एलिमेंट्स मैंने रखे हैं, मेंडलीफ ने, इन्होंने कहा कि इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं। जितने ग्रुप थ्री है तो ग्रुप थ्री के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होगी, ग्रुप फोर है तो इनकी प्रॉपर्टीज इन्होंने सेम रखी। इसी तरीके से इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे अरेंज किया। देखें, हीलियम है, हाइड्रोजन है 1 है इनका, लिथियम का 7 है, सोडियम 23, पोटाशियम 39, कॉपर 63, मीन्स ये ग्रेजुअली इनके एटॉमिक मासेस बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज केमिकल सेम हैं और फिजिकल भी। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जो कुछ एलिमेंट्स थे जो अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुए थे, उनका भी उन्होंने जो है ना वो नाम रखा। उन्होंने कहा एका बोरोन, एका अल्मोनियम, एका सिलिकॉन, ये इन्होंने वैकेंट स्पेसेस छोड़े होंगे। आपने देखा होगा टेबल्स में यहाँ पे कुछ डॉट डले हुए, वैकेंट स्पेसेस हैं, खाली जगहें छोड़ी हैं। किस लिए खाली जगहें छोड़ी हैं? ताकि यहाँ पे जो है वो एलिमेंट्स के जो डिस्कवर्ड नहीं है वो आ जाएं। ये मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था, और इन्होंने ये बात कही कि जो भी अरेंजमेंट होती है पीरियोडिक टेबल की, वो एटॉमिक मासेस की वजह से करी है, और पीरियोडिक फंक्शन यानी कि रिपीटेशन भी एटॉमिक मासेस की वजह से होती हैं। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेज की तरफ, के मेंडलीव का एडवांटेज क्या हुआ। तो बहुत ज़्यादा इसमें सिस्टमेटिक स्टडी में हेल्प किया मेंडलीव ने, कि एक प्रॉपर सिस्टम के तहत जो है वो स्टडी हुई एलिमेंट्स की। जब भी आप किसी चीज़ की ग्रुपिंग कर देते हैं, किसी चीज़ को अरेंज कर देते हैं, तो फिर उसके जो है वो प्रॉपर जो है वो आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ सोडियम हेल्प्स मीन टू अ लार्ज एक्सटेंट इन प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज अदर अल्कली मेटल एस पोटाशियम, रुबीडियम, सीशियम। जैसे कि सोडियम की जो स्टडी है, अब सोडियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो अल्कली मेटल है, तो इस तरीके से इन्होंने इसकी वजह से पोटाशियम की स्टडी बहुत ईजी हो गई, रुबीडियम की और सीशियम की, और इनको हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ये एलिमेंट्स हैं। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वाट मेड पॉसिबल, यानी कि इसकी वजह से न्यू एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा ईजी हो गई मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की वजह से। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो उन्होंने पहले वैकेंट स्पेसेस मैंने आपको बताया छोड़ी थी, इका ब्रोन, इका अल्मोनियम, इका सिलिकॉन, मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, पेशेंट गोई की थी कि ये एलिमेंट्स होंगे, इनकी ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होगी, इसमें ये इस तरीके से बिहेव करेंगे। और बाद में फिर वो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जो डिस्कवर्ड हुए और उनके रखे गए उन्हीं वैकेंट स्पेसेस पे, तो वाकई वो वैसे ही प्रॉपर्टीज थी जैसी उन्होंने, मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट की थी। अच्छा, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो है बहुत सारे डॉटफुल एटॉमिक मासेस को
डील करने में, करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहा। तो ये एडवांटेजेस थे कि बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक स्टडी पॉसिबल हो गई मेंडलीव्स की वजह से, वरना जो पहले न्यूलैंड से डॉबनर्स से तो इनके जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने जो बना रहे थे, ये लोग सेट्स बनाए थे, तो सिर्फ थोड़े से एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स, बस इस तरीके से एलिमेंट्स तक वो होता था, उससे आगे वो फेल हो जाता था। बट उन लोगों का काम इसलिए ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि उन लोगों ने एटलीस्ट क्लासीफाई करना शुरू किया एलिमेंट्स। अब डिफेक्ट्स क्या थे मेंडलीफ में, क्या ऐसे डिफेक्ट्स थे जिनकी वजह से ये जो है ये रिजेक्ट हो गया ये टेबल, और फिर दूसरे टेबल सोचा गया। अच्छा, इन्होंने कुछ हायर एटॉमिक मासेस को, तीन एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास ज़्यादा थे फिर भी वो पहले रख दिए गए, जैसे आर्गन, आर्गन का एटॉमिक मास 40 है मगर ये पोटाशियम से पहले रख दिया गया। अब पोटाशियम का कितना है 39, यहाँ पे देखिएगा टेबल, आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 40 और इसका है 39 और इसको इन्होंने पहले रख दिया, तो ये एक इनसे मिस्टेक हुई। फिर उसके बाद इसी तरह कोबाल्ट को देखें, निकल से पहले उन्होंने रख दिया कोबाल्ट के लिए इन्होंने, हालांकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास ज़्यादा था निकल से। इसी तरह टेरिडियम को जो है वो आयोडीन से पहले रख दिया, टेरिडियम का 127 था और आयोडीन का 126 था। फिर सेकेंडली इनकी ये जो है वो डिफेक्ट था इनके पीरियोडिक टेबल में कि आइसोटोप के लिए इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स जो है वो एलिमेंट्स होते हैं सेम एटॉमिक, एक ही एलिमेंट होता है उसका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, एलिमेंट सेम होता है। जैसे कार्बन के तीन आइसोटोप्स हैं तो उसके एटॉमिक मासेस चेंज होंगे, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होंगे। और डिसिमिलर एलिमेंट्स से उनको एक जगह रख दिया, जैसे अल्कली मेटल्स हैं लिथियम सोडियम पोटाशियम, इनको किसके साथ रख दिया कॉइनेज मेटल के साथ रख दिया, जिससे जिनसे हम कॉइन्स वगैरह बनाते हैं या दूसरे मेटल्स में यूज़ होते हैं जैसे सिल्वर कॉपर गोल्ड, इनके साथ जो है अल्कली मेटल्स को रख दिया। और जिसे और जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है आइडिया भी नहीं दे सके मेंडलीव, तो ये इनका ये फेल हो गया। ये जो मैंने आप लोगों को मेंडलीव अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है ये क्लास 8 के लिए किया है, क्लास 9 के सिलेबस में मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल एक्सक्लूड कर दिया गया था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं था क्लास 9 में। जो पीरियोडिक टेबल है अब रिड्यूस सिलेबस की वजह से अब वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से उनका स्टार्ट है। ये जो है मैंने जस्ट फॉर नॉलेज दिया था और फॉर क्लास 8 दिया था, मेंडलीव्स को क्लास 8 की वजह से मैंने डिस्क्राइब किया। अब क्लास 9 वाले भी देख लें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। अच्छा, अब जो है वो एक मुस्ले आए साइंटिस्ट 1914 में, इन्होंने जो है वो डिस्कवर्ड किया एटॉमिक नंबर। जब इन्होंने एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड किया तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट, इसमें बोहर, वर्नर, बरी, ये सब थे, इन्होंने मिलकर एक पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया। और उन्होंने कहा, उनकी स्टेटमेंट थी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, एक ट्रेंड बनता है इंटरवल आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी केमिकल एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, उसके एटॉमिक नंबर पे। और ये बात ठीक थी और आज भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि मेंडलीव्स ने कहा था कि एटॉमिक मासेस की वजह से होती है, बट एटॉमिक मास तो एक एलिमेंट के बहुत सारे भी हो सकते हैं आइसोटोप्स की वजह से। तो बोहर, वर्नर और बरी ने एक कॉन्सेप्ट दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, जो आज तक माना जाता है, जो वैलिड है। इन्होंने कहा कि किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट की उनके एटॉमिक नंबर की वजह से होती है। ये देखिएगा, ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें भी इन्होंने ये थोड़ा सा मेंडलीव से थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसमें जो लाइंस बनी हुई हैं ये हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, ये इनके जो है ये ग्रुप्स कहलाते हैं। 18 रॉज
मगर ग्रुप जो है वो 18 नहीं है, रॉस 18 है, फिर इनको आगे क्लासिफाई कर दिया गया है जैसे 3 के बाद 3A, 3B, 3C, 3D इस तरीके से करके। तो फिर ये 4B, 5B, 6B, 7B, अच्छा 1A, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस चल रही हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है और हीलियम है, सेकंड में लिथियम है, बेरियम है, इस तरह से बेरियम है, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रॉस जो चल रही है वो पीरियड्स होती है। पीरियड्स को देख लेते हैं डिटेल में कि फर्स्ट पीरियड क्या है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये पीरियड बताते हैं कि सबसे स्मॉल पीरियड है। पीरियड्स ये किस बेसिस पे गए हैं एलिमेंट्स को, उनके आउटर मोस्ट शेल। आप सबको पता है एक एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ऑर्बिट्स में, शेल्स में। तो कितने शेल होते हैं, मेनली के एल एम एन ओ पी, इस तरह से शेल्स होते हैं। तो जब आउटर मोस्ट शेल जितने भी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं उसमें शेल्स में होते हैं, तो किस हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन कितने शेल्स में होते हैं, ये जो है हमें पीरियड्स और ग्रुप में देखने को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट पीरियड में आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो मींस इसका मतलब है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो है वो एक ही शेल है, फर्स्ट शेल में ही जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक ही शेल है, तो ये फर्स्ट पीरियड में। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे, सेकंड पीरियड में जो होंगे उनके पास दो शेल होंगे के और एल, जो थर्ड पीरियड में होंगे उनके पास तीन शेल होंगे के एल एम। मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो शेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से फोर्थ में जो है वो आगे और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे, फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से सारे पीरियड्स है वो मूव ऑन करते रहेंगे। सेवन पीरियड है, अच्छा यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि सेकंड और थर्ड पीरियड जो है वो नॉर्मल पीरियड कहलाता है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में जो है वो 18 एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, और सेवन पीरियड में ये इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है, इसमें अभी वैकेंट स्पेसिस हैं कि अगर कोई एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड होता है तो फिर उसमें वो पुट करा जाएगा। सिक्स पीरियड जो है वो लेंथेनाइड्स भी कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि सिक्स पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीरियड जो है वो यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे हो रहा है, तो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं लेंथेनाइड्स। और सेवन पीरियड जो है वो AC के बाद यहाँ पे जो है वो आगे मूव ऑन हो रहा है, इनको हम एक्टिनाइड्स कह रहे हैं। एक्टिनियम के बाद आप देखिएगा नीचे जा रहा है, तो ये सिक्स पीरियड की कंप्लीटेशन है, यहाँ पे सेवन पीरियड। जो सेवन में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी डिस्कवर्ड नहीं है और उनको रखा गया है इनके यहाँ पे, अगर वो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे तो यहाँ पुट करा जाएगा उन्हें। तो ये थी आपके पास पीरियड्स की डिटेल। अब हम आ जाते हैं ग्रुप्स। ग्रुप किसे कहते हैं, वर्टिकली जो कॉलम है उनको हम कहेंगे ग्रुप्स। ग्रुप 1A में देखते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड्स लिथियम, यहाँ पे एलिमेंट्स से नाम रखे गए लिखे गए हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अच्छा ग्रुप में जो है फर्स्ट ग्रुप में इनके वैलेंसी क्या होती है, इनकी 1 होती है। वैलेंसी का मतलब है इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 1A में आते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे के शेल में सोडियम के 2 आ गए, एल में कितने आ गए, 8 आ गए, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, 11 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद एम शेल में हमारे पास बचे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 आपका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, और इनके ग्रुप का नाम भी क्या है, 1। इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स या फिर लिथियम फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसमें लिथियम है। ग्रुप 2A, 2 जो है द अल्कलाइन अर्थ मैटर कहलाते हैं, इनकी वैलेंसी होती है 2, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इनमें बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्टियम है, बेरियम और रेडियम। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो है ये हार्डर होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अल्कली मेटल से, मगर इनका कुछ जो है वो स्मॉलर एटॉमिक और एटॉमिक रेडाई होते हैं। अच्छा, ग्रुप 3 में जो है वो 3A में इंक्लूड बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम, ये इनके जो है वो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3A के। इनके वैलेंस शेल कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके पास वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। और एक्सेप्ट बोरोन दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास मेटेलिक करेक्टरिस्टिक होते हैं और बोरोन जो है वो इसमें मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जिनके पास एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो। इसी तरह ग्रुप 4A, आप सबको सारे ग्रुप्स के नाम भी कि इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये भी याद करना पड़ेगा और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी याद करनी पड़ेगी। 4 में जो है वो कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मीनियम होता है, टिन होता है, लेड भी होता है। देयर वैलेंस शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी भी 4 होगी। दैट्स व्हाई इट्स पुट इन द ग्रुप 4A। ग्रुप 5A में भी इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स होंगे, इनकी वैलेंसी जो है वो 5 होगी, इसी तरह क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से ग्रुप 6 है, ग्रुप 7 जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हैलोजेंस, इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो यूजेज है हमारी डेली लाइफ में। हैलोजेंस और बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 वैलेंसी, इनको सिर्फ एक शेल, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, तो पेयर कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर इनको कोई और एलिमेंट नहीं मिलता रिएक्शन के लिए तो ये अपने ही एटम के साथ रिएक्ट करके डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये बहुत कम हमें एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे, ये डाईएटॉमिक फॉर्म में मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही हमें ये एलिमेंट्स मिलते हैं ग्रुप 7A के। ग्रुप 8A जो है वो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस के नाम से हम जानते हैं इन्हें, इनमें गैसेस होती हैं, ये हीलियम है, हीलियम गैस, जैसे आपने देखा होगा एयर बलून्स जो होते हैं, पैराशूट्स वगैरह के जो बलून्स होते हैं उसमें जो गैस होती है वो हीलियम होती है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेस हैं, इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। इनके जो है वो शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईली स्लाइटली रिएक्टिव होती है सिवाय क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन के, इनके जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो कंपाउंड्स बन जाते हैं, मगर जो है बाकी जो है ये लोग स्लाइटली रिएक्टिव होती है, इनके इतने ज़्यादा रिएक्शंस नहीं होते। अच्छा, ग्रुप 1B से 8B तक जो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे होते एलिमेंट्स को, वो कहलाते हैं मेटल्स। यहाँ से देखिएगा 1B यहाँ है, 2B यहाँ है, फिर 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ये 8, 9, 10 को इन्होंने 8B कहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये हम इनको इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, हम लोग हमारे जो है वो सिलेबस में भी नहीं इंक्लूड है। ये मेटल्स होते हैं और इनके केमिकल रिएक्शन में ये एक से ज़्यादा वैलेंसीज शो करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं और कुछ एटम की प्रॉपर्टीज़ के जो है वो एटॉमिक रेडाई क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक्स आगे हैं ये भी 9 के रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं, सिर्फ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स रहेंगे नहीं है, बाकी जो सम पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स हैं जो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे वो भी आप लोगों के 9th क्लास के सिलेबस में जहाँ शामिल है रिड्यूस नहीं हुई। थैंक यू सो मच, वेट फॉर अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह।